नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भटूरे, एकदम गर्मा गर्म फूले हुए बाजार की तरह भटूरे। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। उसके लिए मैंने 1/4 कप सूजी लिया है। सूजी को मैं एक बाउल में डालूंगी और उसमें डालूंगी मैं 1 कप पानी। इसे हमें भीगने के लिए छोड़ देना है थोड़ी देर, जब तक ये पानी सूजी अच्छी तरह ऑब्जर्व ना कर ले। इसे रखते हैं अब हम साइड में। तो भटूरे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। ये मैदा आपने जिस कप से सूजी मेजर किया था उससे 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने 1/4 कप से सूजी लिया था, तो 1 कप मैं मैदा लूँगी। इसे हमें पानी से नहीं गूंथना है, इसे हमें उसी सूजी से गूंथना है जिसे हमने भीगने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन उससे पहले इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी, और जितनी चीनी हमने ली है उतनी ही नमक। यह है 1 चम्मच नमक। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच खाने वाला मीठा सोडा। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसमें चीनी और नमक अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारी भीगी हुई सूजी। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है हम इसे छान के बाहर कर लेंगे। तो इसकी एक्स्ट्रा पानी मैंने बाहर कर ली है। अब हम इसे हाथों पे इस तरह से दबा के जो पानी निकल रहा है उसे निकाल देंगे और इसे इस मैदे में मिक्स करेंगे। तो सारी सूजी मैंने निकाल ली है, इसके पानी का यूज हमें नहीं करना है। अब हम इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। याद रखिएगा, मैदे में हमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, मैंने इसमें अच्छी तरह से सूजी मिक्स कर लिया है, लेकिन हमारा आटा अच्छी तरह से गुथा हुआ नहीं है। तो हम इसमें डालेंगे घर की दही। इसे दही डाल के अच्छे से गूंथेंगे। इसमें पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3 चम्मच दही। इसमें दही की और ज़रूरत है, तो और मैं डालूंगी इसमें दही। 2 चम्मच और दही का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, ये हमारा जो मैदा है वो बाइंड हो रहा है एक साथ। तो देखिए, मैंने अच्छी तरह से मैदे को मिक्स कर लिया है। दही इसमें कंट्रोल में डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। देखिए, अंदर से ये अभी भी खुरदुरा दिख रहा है, आटा फट रहा है। हमें इसे इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये इस तरह से नहीं फटे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसकी मालिश। इसके लिए मैं 7 मिनट लूंगी। 7 मिनट में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। तो 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारा डो ये कितना सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच ऑयल और फिर से इसे मिक्स करूंगी। ये मैंने लिया है रिफाइंड ऑयल, इसे इसके ऊपर डालूंगी और फिर इसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो 3 से 4 मिनट गूंथने के बाद देखिए, ये डो का टेक्सचर तैयार हो चुका है। ये ऊपर से कितना चिकना दिख रहा है और अंदर से ये खुरदरा है, मतलब एकदम परफेक्ट डो बना है हमारा। तो चलिए अब इसे हम एक बाउल में डालेंगे और रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो इस बाउल में मैं अपने डो को रखूंगी। उसके लिए पहले मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डालूंगी और फिर ये डो इसे अच्छी तरह इस तरह से मैं मिक्स कर दूंगी ताकि ऑयल हमारे बाउल में और आटे में
दोनों में अच्छी तरह से लग जाए। इसके ऊपर मैं डालूंगी ये कपड़ा और उसके बाद इसे एक अच्छी तरह प्लेट से ढक के हमें इसे 6 घंटे तक रेस्ट के लिए छोड़ देना है। 6 घंटे बाद हम इसका बनाएंगे भटूरा। तो लगभग 6 घंटे हो चुके हैं पूरे और देखिए ये हमारा डो जो है वो अच्छी तरह से फूल गया है। तो ये देखिए हमारा डो कितना सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसकी लोइयां बनाएंगे इस तरीके से। न ज्यादा बड़ी न ज्यादा छोटी, मीडियम साइज की। तो अब इसे हम अच्छी तरह से लोइयां बनाएंगे। इसमें कहीं से भी निशान नहीं आने चाहिए। इसे हल्के हाथों से तो देखिए इस तरह से आपको लोई बनानी है चिकनी। तो तैयार हो गई हैं हमारी सारी लोइयां। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन सब में थोड़ा सा ऑयल टचअप करेंगे। और फिर इसे कपड़े से ढक के एटलीस्ट 10 मिनट तक छोड़ देंगे। दस मिनट हो चुके हैं तो अब हम इसे बेल लेंगे। बेलने के लिए हमें सूखे मैदे या किसी तरह की कोई बर्तन का यूज नहीं करना है। जो ऑयल हमारा गर्म हो रहा है जिसमें हम भटूरे तलेंगे, उसी ऑयल को थोड़ा सा लगा के इसे बेलना है। जब तक हमारा तेल पूरी तरह से हिट नहीं हो जाता तब तक हम इसमें भटूरे नहीं डालेंगे। भटूरे के लिए हमें तेल को अच्छी तरह से फुल हीट पे गर्म करना है। तो देखिए तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें अब हम डालेंगे भटूरे। तो देखा आपने किस तरह से मेरे भटूरे अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम दूसरा भटूरा भी तल के निकाल लेंगे। तो देखिए किस तरह से मेरे भटूरे अच्छी तरह से खिल रहे हैं। इसे हमें अच्छी तरह से पलट पलट के पका लेना है। हल्का सा ऑयल इस पे इस तरह से डालते रहें।
तो तैयार है हमारा ये भटूरा अच्छी तरह से छन के, तो चलिए अभी से हम सर्व करते हैं। देखा आपने कितना सॉफ्ट और कितने फुले फुले भटूरे बने हैं मेरे। चलिए इसे सर्व करते हैं। इसे मैं सर्व करूंगी छोले, नींबू के अचार और हरी मिर्च के साथ। तो आप भी मेरे तरीके से भटूरे बनाएं, इस तरह से खिले खिले फूले फूले, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भटूरे आपके कैसे बने हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।